खबर रीवा जिले से है, जहां जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है। शिकायतों के निराकरण के लिए पुलिस अधीक्षक ने एक जनसुनवाई जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया, जहां सभी एसडीओपी थाना प्रभारी की मौजूदगी में त्वरित शिकायतों का निराकरण किया गया। जन शिकायत निवारण शिविर में काफी संख्या में लोग पहुंचे, जिनकी समस्याओं को सुना गया। आयोजित की गई शिविर के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि जो शिकायतें जन सुनवाई में और अन्य माध्यमों से पहुंचती हैं, उनका निराकरण करने के लिए 8 टेबल लगाई गई हैं, जहां तुरंत समस्याओं को सुनकर निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं आयोजित समस्या निवारण शिविर और सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने क्या जानकारी दी है। पलटी किया हिसाब वाला दूसरे को मिलेगा, तुम्हारा किसी को मैं भी तो कर रही हूँ। अब आप मुझे फोन लगाना। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा में जन शिकायत निवारण इसलिए लगाया गया है कि जो भी शिकायतें जो जन सुनवाई में आई हैं, जो सीएम हेल्पलाइन में आई हैं, उन पर तत्काल निराकरण करने का कार्य किया जा सके। इस क्रम में हमने टोटल 8 जगह पर अपने सभी टीम बैठाई है, सभी एसडीपी साहब और थाना प्रभारी इनके साथ बैठे हैं। पहले चरण में फरियादी को थाना प्रभारी और एसडीपी के पास बैठा के उनकी समस्या को सुना जा रहा है। उसका हल अगर थाना लेवल पर एसडीपी लेवल पर है तो ठीक है, अन्यथा अगर राजस्व विभाग से संबंधित कुछ सहयोग चाहिए तो तत्काल यहां से फोन करके व्हाट्सएप करके जो भी तहसीलदार साहब उनसे सहयोग भी लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ विशेष फरियादियों को कुछ समस्या ऐसी है जिसमें हम लोगों के इंटरवेंशन की आवश्यकता है तो हम लोग उसको साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, उनकी समस्या को समझ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनका निराकरण अतिशीघ्र किया जाए। प्रयास यह है कि फरियादी को बार बार ना आना पड़े, बार बार किसी कंप्लेंट के मंच पर ना जाना पड़े और उनकी सुनवाई एक बार में होके उसका निराकरण हम लोग शीघ्रता से कर सके। सर, कई बार थाना प्रभारी से शिकायत करता रहते हैं, थाना प्रभारी की ही शिकायतें रहती है। ऐसा कोई प्रकरण सामने आएगा तत्काल जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं एसडीपी एडिशनल एसपी उनको उसकी जांच सौंपी जाएगी और सामने स्पष्ट पूछा भी जाएगा कि किसने ऐसा आपसे कहा है या कोई समस्या हुई है, उसके अनुसार जाहिर जांच में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम में अपराध घटित होने के लगभग 12-14 घंटे के अंदर ही सीधी जिले के सहयोग से आरोपी को पकड़ा गया था। घटनास्थल का मुआयना न सिर्फ थाना प्रभारी अपितु मेरे द्वारा भी किया गया था। अब उन्होंने कुछ अपने विषय और बताए हैं जो उनको बाद में ऐसा उनका कहना है संज्ञान में आए हैं तो उनको पूरा आश्वासन दिया गया है कि उन विषयों को भी विवेचना में शामिल किया जाएगा और उन विषयों के अनुसार एविडेंस कलेक्शन किया जाएगा, तत्पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितनी शिकायतें होने आकर अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज काफी संख्या में लोग आए हुए हैं और लगभग 100 लोगों के आसपास अभी उपस्थित है और अभी हमारा ये शिविर चलेगा तो जो भी लोग अन्य आएंगे उनका भी हम निराकरण शिकायतों का करेंगे।